अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शाजिया। आई होप के आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी। हम बनाएंगे ईद से पहले मटन की रेसिपी और वो भी बहुत टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। आज हम बनाएंगे मटन दम पोक, वो भी पेशावरी स्टाइल में। पेशावर के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं, मतलब के पठान लोग जो होते हैं वो बहुत शौक से खाते हैं और हमें भी ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पाइस यूज होते हैं और टेस्टी बहुत लगती है। तो हम लोग आज मटन दम पोक की रेसिपी बनाएंगे जिसे कि आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे नए आने वाले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। मटन दम पोक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसके लिए मैंने 1.5 किलो मटन लिया है और इसके बड़े बड़े पीसेस होते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के, एक मैंने लहसुन लिया है पूरा फुल और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 मैंने टमाटर लिए हैं और 6 से 7 8 10 10 तक हरी मिर्चें जो हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि आपने इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है जितना आप स्पाइस इसमें डालेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गोश्त और थोड़ा सा गोश्त डालने के बाद हम इसमें आलू रखेंगे और ये लहसुन रखेंगे, टमाटर रखेंगे और प्याज रखेंगे। इस तरह हम चीज़ों को बखेर के रख देंगे और उसके बाद जो बाकी का गोश्त बचेगा वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। मिर्चों की डंडियाँ उतार लें ताकि वो अंदर फिर वो ख़त्म गायब हो जाएंगी। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। ऑयल मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि इसके अंदर एक चर्बी की लेयर लगती है जो कि इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर सारा गोश्त डाल के और इसको मैंने रख दिया है दम पे 2 घंटे के लिए। हम इसको पकाएंगे मीडियम आँच पे, बिल्कुल मीडियम आँच पे, क्योंकि अगर ये मेरा चूल्हा जो है 22 पे चलता है तो मैं इसको 100 पे कर दूँगी। तो इस पे आँच पे, हल्की आँच पे इसने पकते रहना है। 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कहीं इसका पानी ड्राई तो नहीं हो गया। अगर इसका पानी ड्राई हो गया होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, लेकिन अभी मैं इसको चेक करती हूँ। ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो पानी इसके अंदर मौजूद है क्योंकि आँच बिल्कुल स्लो है हमारी, तो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, गोश्त अभी गला नहीं है। तो हमने इसको फिर ढक के रख दिया। अब इसी तरह ही हम घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे पूरे इसको लगते हैं बिल्कुल मीडियम आंच पे। पहले हम एकदम से आंच को तेज़ करेंगे ताकि इसमें स्टीम आ जाए। जब स्टीम आ जाएगा तो हम आंच को स्लो कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा दम पोख्त बनेगा, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये हमारी डिश है। लोग गोश्त बनाते हैं लेकिन मटन दम पोख्त की तो क्या ही बात है। तो मैंने सोचा कि ये ईद से पहले क्यों ना शेयर की जाए आप लोगों के साथ ताकि आप लोग ईद पे इसको बनाएं और दम पोख्त के मज़े लें। इसके साथ पोटैटो रखेंगे, फिर उसमें हम लेमन डालेंगे और बहुत ही मज़े का, थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इसमें कसर है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसको दम पे लगा देंगे। बिल्कुल आँच आप लोग चेक कर ले, मैंने बहुत ही कम आँच इसकी, 100 से भी इसको मैंने कम कर दिया। तो अब इसको ढक देंगे। अब है जी ये रेडी। अब थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे इसी तरह से और मज़ेदार टेस्टी दम पोख्त हमारा रेडी हो चुका है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे, जितना आपको नमक पसंद है। अगर आपको मिर्चें, जैसे हमने हरी मिर्चें इसमें डाली हैं वैसे तो यही डालते हैं, अगर आपको लगे कि हरी मिर्चें थोड़ी सी कम हैं तो आप इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। दड़ा मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि वो गले को लगेगी, तो इसमें ब्लैक पेपर या वाइट पेपर जो है ना वो डालेंगे। तो बस अभी ये 5 मिनट में रेडी होने वाला है। तो बहुत ही मज़ेदार, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और पैन हमारा, ये जो कढ़ाई है इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगता नीचे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दम पोख्त रेडी हो गया। अब मैं इसको निकालती हूँ डिश के अंदर। तो आलू को आप हाफ़ कर लीजिए,
तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा ईद पे और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखें कितना टेस्टी है और कितना मज़ेदार, और लुक इसकी इतनी प्यारी लगती है देखने में। आप दावत में इस डिश को बनाएं और सबसे दाद लेंगे आप कि बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी डिश है। आप इसको आराम से सारी चीज़ों को डाल के एक साइड पे चूल्हे पे रख दें तो ये खुद ही पक जाएगा। अगर इससे पहले आपको मटन की चर्बी मिले तो आप एक लेयर नीचे वो भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। कुकिंग विद शाजिया रेसिपी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।